वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 में 3.1 है वो होमवर्क में किया था एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो हमने होमवर्क में किया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो हम लोगों ने बोर्ड पे किया था। और जो मैंने आपको सिखाया भी था कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना है एंड एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हो तो उसके नंबर नेम है वो कैसे लिखने वो हम लोगों ने सीखा था। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, कौन सा है नंबर लाइन जो पेज नंबर 85 पे दिया है आपकी टर्म बुक में कि नंबर लाइन। आप लोगों को पता नहीं होगा कि नंबर लाइन है वो किसे बोलते हैं। नंबर लाइन तो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन यानी कि कोई लाइन ड्रॉ की हुई है और उसके फर्स्ट नंबर्स लिखे हुए हैं जिसे बोलते हैं नंबर लाइन। जैसे कि मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ कि नंबर लाइन है वो किसे बोलते हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ की है। अब मैं इसके नीचे नंबर्स लिख रही हूँ, इसके नीचे मैंने क्या लिखा, नंबर लिखे, तो ये क्या हो गया नंबर लाइन। ये जो मैंने लिखे हैं वो नंबर्स लिखे हैं एंड ऊपर जो ड्रॉ किया गया है वो नंबर लाइन है। दिस इज कॉल्ड द नंबर लाइन। वी कैन यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द नंबर आफ्टर और बिफोर। आप इसमें आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर लाइन में। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, नंबर लाइन किया है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो दिस इज कॉल अ नंबर लाइन। वी कैन यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द नंबर आफ्टर और बिफोर गिवन नंबर। इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर लाइन में फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट आफ्टर आफ्टर एंड बिफोर नंबर। तो आफ्टर और बिफोर नंबर वो भी हम लोग नंबर लाइन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि नंबर लाइन में आफ्टर और बिफोर नंबर, आफ्टर एंड बिफोर नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आफ्टर, आफ्टर यानी कि जैसे आपको कोई नंबर दिया है, आपको दिया है 5 नंबर, क्या दिया है 5 नंबर। अब आपको आफ्टर नंबर 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। 6 के बाद कौन सा आता है, 7 नंबर आता है। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 नंबर आता है। इसे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर नंबर, आफ्टर नंबर। क्योंकि 6 के बाद, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर नंबर। तो हमने नंबर लाइन में क्या फाइंड आउट किया, आफ्टर नंबर। अब बिफोर नंबर, तो बिफोर नंबर में 5 के पहले, 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है। 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है। तो ये कौन से नंबर हुए, बिफोर नंबर हुए। तो ये नंबर कौन से हुए, बिफोर। तो हमने नंबर लाइन में क्या फाइंड आउट किया, तो फाइंड आउट आफ्टर एंड बिफोर नंबर। तो आफ्टर नंबर यानी कि 5 के बाद कौन से नंबर आते हैं, उसे हम आफ्टर नंबर बोलते हैं एंड 5 के पहले, नंबर लाइन में 5 के पहले कौन कौन से नंबर है वो उसे हम क्या बोलते हैं, बिफोर नंबर बोलते हैं। तो इसमें हमने नंबर लाइन में क्या सीखा, आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वी कैन यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द नंबर्स आफ्टर और बिफोर अ गिवन नंबर, नंबर बिटवीन टू नंबर्स एंड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। तो नंबर लाइन है वो आपको आगे के लेसन में भी दी गई है, तो उसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो
तो स्टूडेंट आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.2 दी गई है कि जॉइंट एक्सरसाइज 3.2 जॉइंट ईच कार्ड टू एट पोजीशंस ऑन द नंबर लाइन वन हैज बीन डन एन एग्जांपल। तो आपको जो है कार्ड दी गई है, कार्ड में नंबर दिए गए हैं, वो आपको ये नंबर लाइन के साथ क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि आपको 3 दिया है तो 3 के साथ मैच किया हुआ है तो है, 4 नंबर में तो 4 नंबर में मैच करना है, 10 है तो 10 में मैच करना है, 4 है 14 है तो 14 में मैच करना है, 15 है तो 15 में मैच करना है। वैसे ही ए और बी दोनों में करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग नंबर ऑन द ईच स्नैक्स। तो आपको इधर मिसिंग नंबर दिए गए हैं जो आपको खुद से ही कंप्लीट करने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स अप टू 20। तो ये हम लोगों ने पहले नंबर लाइन सीखी है, अब हम सीखने वाले हैं दो नंबर को कंपेयर करके कैसे हमें लिखना है। कॉपी सिंबल के अकॉर्डिंग तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 3.3, राइट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट in the circle in the impact box given below and write the comparing number in the box on this right hand side। तो आपको इधर एक सर्कल में, मैं इधर सर्कल में आपको पियर्स दिए गए हैं, बट मैं इधर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ अंदर, यानी कि बॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपको काउंट करके वैसे ही लिखना है। आपको इधर पियर्स दिए गए हैं, बट मैं इधर बॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ कंपेयरिंग नंबर में। तो आपको काउंट करना है, आपको इधर पियर्स दिए गए हैं, बट मैंने इधर क्या ड्रॉ किया है, बॉल ड्रॉ किए हैं। एंड फिर आपको ऐसे सिंबल दिया है, बॉक्स दिए हैं, उसमें आपको कंपेयरिंग नंबर दोनों लिखने हैं। ऑफकोर्स हम काम करेंगे कि कितने बॉल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फर्स्ट में कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। कितने बॉल्स हैं, 10 बॉल्स है, तो 10 लिखना है। एंड नेक्स्ट कितने बॉल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 कितने हैं, 12 हैं। तो हमें क्या लिखना है, 10 काउंट करके लिखना है और 12 काउंट करके लिखना है। अब हमें इनको कंपेयर करना है, इन दोनों नंबरों को, कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है। तो आपको इधर दो सिंबल दिए हैं, लेस देन का दिया है और ग्रेटर देन का दिया है। तो जब आपको लेस देन दिया है, लेस देन में हमें क्या करना है, लेस देन यानी कि जो पॉइंट दिया गया है, दिस साइड पॉइंट दिया गया है, उस साइड हमें स्मॉल नंबर लिखना है। तो 10 स्मॉल है या 12 स्मॉल है, तो 10 नंबर है वो स्मॉल है। कौन सा नंबर स्मॉल है, 10 नंबर है वो स्मॉल है। तो हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है। एंड 12 है वो बिग नंबर है, तो बिग नंबर कहाँ पे आता है, जब साइड ओपन हो जिस साइड, उस साइड बिग नंबर आता है। तो आंसर क्या आएगा, इधर 12 आएगा। अब आपको इधर ग्रेटर देन दिया है, तो ग्रेटर
नंबर और जिस साइड ये पॉइंट आता है उस साइड क्या लिखना है, स्मॉल नंबर। तो ये जो हमने किया है वो कंपेयरिंग नंबर किया है। जो आपको आपकी सम बुक में पेज नंबर 86, कौन सा पेज नंबर है 86 में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 86। नेक्स्ट है टू नंबर, ये वन नंबर वाला था एंड नेक्स्ट है टू नंबर। नेक्स्ट है टू नंबर, टू नंबर में क्या दिया है आपको, टू नंबर में आपको स्टार दिए हैं, क्या दिया गया है स्टार। फर्स्ट में कितने स्टार है, फर्स्ट सर्कल में कितने स्टार है तो काउंट करो, 13 स्टार है। नेक्स्ट कितने हैं, तो हमें काउंट करना है और फिर लिखना है कि कितने नंबर दिए गए हैं। इधर बॉक्स में भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, दोनों नंबरों को कंपेयर करके लिखना है। हमें क्या लिखना है, 13 लिखना है और नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8 है। तो अभी हमें कंपेयर करना है दोनों नंबर को, तो फर्स्ट आपको सिंबल चेक करना है एंड फिर आपको आंसर है वो फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया है, लेस देन दिया है, तो लेस देन में फर्स्ट आता है स्मॉल नंबर एंड नेक्स्ट आता है बिग नंबर। तो स्मॉल नंबर 8 है और बिग नंबर कौन सा है, बिग नंबर है वो 13 है। और अभी आपको ब्रैकेट टाइप का सिंबल दिया है, तो फर्स्ट हमें बिग नंबर, तो 8 बिग है या 13 बिग है, तो 13 है वो ज्यादा है यानी कि वो बिग नंबर है, तो 8 है वो स्मॉल नंबर है। तो ये हम लोगों ने कंपेयरिंग नंबर है वो किए, जो आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेने हैं सेकेंड नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है पेज नंबर 87 पर इक्वल टू, ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रही है 3.3। इक्वल टू का सिंबल ये है
सिंबल। द सेम सेम मेजर यानी कि कोई भी दोनों नंबरों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू। व्हेन यूज द सिंबल इक्वल टू शो द नंबर आर द सेम, यानी कि दोनों नंबर्स है वो सेम है, जैसे कि 4 दिया है इक्वल टू 4, तो दोनों नंबरों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। और हमने आंसर क्या लिखा उसका, इक्वल टू, तो दोनों नंबरों की वैल्यू है वो सेम है। वी राइट इट 10 इक्वल टू 10, वी राइट 20 इक्वल टू 10, जैसे कि आपको इधर 10 दिया है, 10 दिया है। अब हमें रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे, 10 इज इक्वल टू 10, जैसे कि मैंने ये सिर्फ सिंबल लिखा है और ये मैंने वर्ड्स में लिखा है 4 इक्वल टू 4, तो इसे अगर हमें रीड करना है तो हम इसे रीड कर सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10।
राइट द करेक्ट नंबर, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ए नंबर में है 12, 12 इक्वल टू फिर बॉक्स दिया है। फिर बी नंबर आपको दिया है, बी नंबर में क्या है 9 इक्वल टू बॉक्स। फिर क्या दिया है सी नंबर में, सी नंबर में दिया है फर्स्ट बॉक्स दिया है इक्वल टू दिया है एंड 15 नंबर दिया है। एंड डी नंबर में, डी नंबर में फर्स्ट बॉक्स दिया है एंड फिर 20 के वो नंबर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें इक्वल टू का सिंबल दिया गया है, तो हमें इक्वल टू यानी कि जो नंबर दिया है उसी के सेम वैल्यू वाला नंबर ही लिखना है। यानी कि 12 दिया है तो हमें बॉक्स में क्या लिखना है, इक्वल टू 12 ही लिखना है। 9 दिया है तो 9 इक्वल टू 9। 15 दिया है, फर्स्ट 15 दिया है तो हम क्या इधर लिखेंगे, 50 इक्वल टू 50। नेक्स्ट आपको दिया है 20, 20 इक्वल टू 20। तो ये भी आपको आपकी टर्म्स में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है पेज नंबर 87 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सिलेंडर बॉक्स इज विद द करेक्ट सिंबल वन हैज बीन डन एन एग्जांपल। एक आपको एग्जांपल दिया है, आंसर भी दिया है, तो हमें बाकी के जो है उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करने हैं। तो आपको फर्स्ट ए नंबर में दिया है 10, 10 फिर बॉक्स दिया है एंड 12 दिया है। क्या दिया है 12 दिया है। नेक्स्ट है बी नंबर, बी नंबर में 20 एंड 17 दिया है, 20 and 17। C number में दिया है 9 फिर बॉक्स दिया है एंड 17 नंबर दिया है। D number में दिया है 16 and 18। 8 E number में 14 दिया है फिर बॉक्स दिया है एंड 15 नंबर। फिर दिया है F number में 8 एंड इक्वल टू 8 एंड फिर आपको क्या दिया है 8। तो अभी इसमें राइट आंसर है वो लिखना है कि कौन सा सिंबल आएगा। तो फर्स्ट दिया है 10 फिर बॉक्स दिया है एंड 12 दिया है, तो इसमें लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में 10 दिया है यानी कि फर्स्ट है वो स्मॉल नंबर है और फिर 12 है वो बिग नंबर है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रेटर देन करना है क्योंकि दिस साइड स्मॉल नंबर है और इस साइड बिग नंबर है, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। नेक्स्ट है 20 एंड 17। 20 है वो बिग नंबर है और 17 है वो
स्मॉल नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि बिग एंड स्मॉल हो, जब आपको ऐसे दिया हो बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर दिया हो तो आपको कौन सा सिंबल करना है, लेस देन का सिंबल आता है, क्योंकि जिस साइड बिग हो उस साइड ओपन वाली साइड आती है और स्मॉल नंबर हो उस साइड ये पॉइंट वाली साइड है वो आती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि स्मॉल नंबर कौन सा है एंड बिग नंबर है वो कौन सा है। तो 20 है वो बिग है एंड 17 है वो स्मॉल है, तो हम कौन सा सिंबल करेंगे, लेस देन का सिंबल है वो करेंगे। नेक्स्ट 9 है और 17 है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है ग्रेटर देन। नेक्स्ट 16 और 18 है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लेस देन। 14 एंड 15 में, तो 14 है वो स्मॉल है और 15 है वो बिग नंबर है, तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रेटर देन करना है, क्योंकि जिस साइड ये पॉइंट है उस साइड स्मॉल नंबर आता है और जिस साइड ओपन साइड हो उस साइड बिग नंबर आता है, यानी कि 15 आएगा। नेक्स्ट दिया है दोनों नंबरों की वैल्यू क्या है, सेम है, इधर भी 8 दिया है और इधर भी है वो 8 दिया है, तो हमें कौन सा सिंबल करना है, तो हमें इक्वल टू का सिंबल करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू है वो सेम ही है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 87 में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल करके वो एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो स्टूडेंट आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपको होमवर्क में करना है, और 3.4 है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट की है इधर। पेज नंबर 85 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट इन टर्म बुक, ये होमवर्क है पेज नंबर 85 में एक्सरसाइज 3.2। पेज नंबर 85 में दिया है एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट इन टर्म बुक, यानी कि ये होमवर्क है वो आपको टर्म बुक में ही कंप्लीट करना है। जो पेज नंबर 85 पर दिया है सिर्फ आपको मैच ही करना है एंड मिसिंग नंबर ही लिखने हैं। नाउ थैंक यू।